स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का जीता जागता नमूना सामने आया है। जीवन रक्षक मानी जाने वाली 108 में। हम आपको बता दें, रीवा जिले में पूरे देश प्रदेश की तरह 108 संचालित है। इन्हें जीवन दायिनी माना जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं जीवन दायिनी का हाल, जिसे देखकर सुनकर आप अपने मरीज को 108 के माध्यम से शायद ही अस्पताल लाना चाहेंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस 108 को देख रहे हैं, यह कोई मामूली 108 नहीं है। इस 108 में शायद ही कोई सामान्य आदमी बैठना चाहेगा, या यूं कहिए 108 सामान्य आदमी के लिए है ही नहीं। आप चौंकिए नहीं, यह बात पूरी तरह सच है। 108 गंभीर मरीजों के लिए होती है, जिसमें मरीज को प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आइए जानते हैं क्या है इसमें खास। हम आपको बता दें, ये अलग बात है, यह बात कोई भी बता सकता है। गाड़ी चलाने के लिए स्टेयरिंग ठीक होनी चाहिए, यह खराब है, चलिए कोई बात नहीं, ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला लेगा, लेकिन आपके मरीज को आराम से अस्पताल ले जाएगा। ठहरिए, इस गाड़ी में मरीज के प्राथमिक उपचार का कोई भी साजो सामान उपलब्ध नहीं है। एक बात हम और आपको बता दें, धीरे से आराम से सुनिए, इस गाड़ी में गंभीर रोगियों के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप का फटा होना है। अब आपको ही तय करना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के फटे पाइप के बगैर आपका मरीज इस गाड़ी में चलने लायक है या फिर यह गाड़ी आपके मरीज के लायक है। एक्चुअली में ये गाड़ी कंडीशन में नहीं थी चलने की, क्योंकि हमारा यहाँ से ट्रांसफर किया गया था, मतलब एक हफ्ते पहले, तो हमने बोला कि साहब हमको बाहर मत भेजिए और जो गाड़ी हमारी है उसी को बनवा दीजिए, तो अपन उसी को चलाएंगे। तो इसका इंश्योरेंस करवा के हमको दे दिया गया है, तो हम किसी कदर इसको चला रहे हैं। ना इसका स्टेयरिंग सही है, पिन पिन की बैरिंग गड़बड़ है, मैंने बताया भी है, बोल रहे हैं अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपको दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिल्कुल ऑक्सीजन का सिलेंडर पाइप भी फटा हुआ है, आप गाड़ी खुद देख लीजिए, उसमें हमारे ही बताने की कोई बात नहीं, आपके सामने आना चाहिए। ये जो चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी है जिस पर अपन काम कर रहे हैं, वो जिम्मेदार है। नाम क्या आपका? जब हमारे अधिकारियों को वहाँ से कोई वो नहीं मिलेगा तो कहाँ से कराएंगे, वो अपने घर से थोड़े कराएंगे।